हेलो दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह बहुत सारे मौजज़े करते हैं, तमसीलों में बात करते हैं और लोगों को बाइबल के बारे में बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्यार करें। यीशु मसीह सारी बातें तमसीलों में क्यों करते थे? ताकि लोगों को आसानी से समझ लगे और वो खुदा के बारे में जान सकें और उनके ज़्यादा करीब आ सकें। आइए और भी तमसीलें सुनते हैं यीशु मसीह की। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, जो दरवाजे से भेड़खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर जाता है, वो चोर और डाकू है। जो दरवाजे से दाखिल होता है वही भेड़ों का चरवाहा है, और दरबान उसके लिए दरवाजा खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वो नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। वो अनजान आदमी के पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे दूर भाग जाएंगी, क्योंकि वो अनजान आदमी की आवाज नहीं पहचानती। यसु ने उन्हें यह तमसील सुनाई, लेकिन वो नहीं समझे कि वो उनसे क्या कह रहे हैं। यसु ने उनसे फिर कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, भेड़ खाने का दरवाजा मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, लेकिन भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही दरवाजा हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो उसे निजात हासिल होगी। वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगी। चोर सिर्फ चुराने, मारने और तबाह करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी हासिल करें, बल्कि मुकम्मल जिंदगी हासिल करें। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन पर हमला करता है और उन्हें तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वो तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानते हैं और मैं बाप को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है, वो भी मेरी आवाज़ सुनेंगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, बाद में मैं उसे फिर हासिल करूंगा। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी आवाज दूर से पहचान लेते हैं, बहुत सारी भीड़ में भी। इसी तरह एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज बहुत से रश में, बहुत सी भीड़ में भी पहचान लेती है दूर से। एक असली चरवाहे का तो मुझे पता नहीं कि वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक गुम हुई भेड़ के पीछे जाएगा या नहीं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ज़रूर उस एक गुम हुई भेड़ के पीछे लाजमी जाएंगे, क्योंकि वो हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कोई भी उनकी भेड़ अगर गुम होती है तो वो उसको ढूंढने लाजमी जाएंगे। इसी तरह हमें भी दुआ करते रहना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने चरवाहे खुदावन यीशु मसीह की आवाज़ सुन सकें। यीशु एक दिन घर से निकलकर समंदर के किनारे जा बैठे। उनके आसपास इतना मजमा जमा हो गया कि वो कश्ती पर सवार हो गए और सारा मजमा साहिल पर ही रह गया। उन्होंने तमसीलों के जरिए बहुत सी बातों की तालीम उन्हें दी। उन्होंने कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें ज्यादा मिट्टी नहीं मिली। वो जल्द ही उग आए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज उभरने पर वो झुलस गए और जड़ ना होने की वजह से वो खुश्क हो गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। लेकिन कुछ बीज अच्छी और जरखेज जमीन पर गिरे और फल लाए,
कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अब आप लोग बोने वाले की तमसील सुनिए। अगर कोई खुदा का कौल सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके दिल में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वो है जो रास्ते के किनारे बोया गया था। जो पथरीली जमीन में बोया गया है ये वो है जो कौल सुनते ही खुशी से अपना लेता है, लेकिन उसमें जड़ नहीं है और वो चंद रोज ही कायम रहता है। कौल की वजह से मुसीबत या जुल्म आ पड़ने पर वह फौरन परेशान हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है ये वो है जो कौल को सुनता है, लेकिन दुनिया की फिक्र और दौलत की लालच कौल को दबा देती है और वो नाकाम हो जाता है। लेकिन जो जरखेज जमीन में बोया गया है ये वो है जो कौल सुनता, समझता और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में बहुत से किसानों को अनाज उगाते तो देखा ही होगा। ये बीज यीशु मसीह के कलाम की तरह है और ये जमीन हमारे दिल की तरह। अगर हम यीशु मसीह की बातें सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे तो हम इस अच्छी जमीन की तरह होंगे जो कि अच्छा अनाज उगाती है। हमें यीशु मसीह की बातें सुनकर एक कान से और दूसरे से निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर अमल करना चाहिए और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। यसु ने उनके सामने एक और मिसाल पेश की। आसमानी बादशाहत उस इंसान की तरह है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे, लेकिन जिस वक्त लोग सो रहे थे तो उसका दुश्मन आकर गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब कोंपल फूटी और बालें लगी तब जंगली बीज के पौधे भी दिखाई पड़े। इस पर मुलाजिम ने आकर मालिक से कहा, आका, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? उसमें जंगली पौधे कहां से उगाए? मालिक ने उससे कहा, ये किसी दुश्मन की हरकत है। तब नौकर ने उनसे पूछा, अगर आप कहें तो हम उन्हें उखाड़ दें? मालिक ने जवाब दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पौधे उखाड़ते वक्त तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। फसल कटने तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। उस वक्त मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली पौधे बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, उसके बाद गेहूं मेरे खलिहान में जमा करो। यसु ने उनके सामने एक और मिसाल पेश की। आसमानी बादशाहत सरसों के एक दाने की मानिंद है जिसे लेकर किसी इंसान ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों से छोटा है, लेकिन बढ़कर सब दरख्तों से बड़ा हो जाता है और ऐसा दरख्त बनता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी शाखों पर बसेरा करते हैं। यसु ने उन्हें एक और मिसाल सुनाई। आसमानी बादशाहत उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यसु मिसालों के जरिए ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वो बिना मिसाल के उनसे कुछ नहीं कहते थे। जिससे नबी का यह कौल पूरा हो जाए, मैं मिसालों में बोलूंगा, जमीन की इब्तिदा से जो पोशीदा रहा उसे मैं जाहिर करूंगा। यसु लोगों को रुखसत करके घर लौटे। उनके शागिर्दों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज की मिसाल हमें समझा दीजिए। यसु ने जवाब दिया, अच्छा बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। खेत दुनिया है, अच्छा बीज बादशाह की रियाया है, जंगली बीज बदरूह की रियाया है और बोने वाला दुश्मन शैतान है। फसल कटना दुनिया का खात्मा है, काटने वाले फरिश्ते हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज जमा करके आग में झोंक देते हैं, वैसे ही दुनिया के खात्मे पर होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेंगे और वो बादशाहत की सब रुकावटों और बदामालियों को जमा करके आग के गढ़े में डाल देंगे। वहां वो लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। उस वक्त दीनदार लोग अपने बाप की बादशाहत में सूरज की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले।
दोस्तों, आसमान की बादशाही का जिक्र करना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है। इमेजिन करें कि एक बहुत प्यारा सा मुल्क हो और उसके रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हों, और वहाँ पे सब कुछ उस बादशाह की मर्जी से हो और हर कोई इस बादशाह के इंसाफ के साथ रहे। हम वो चीज़ यहाँ इस ज़मीन पर भी कर सकते हैं, और यही आसमान पे, आसमान की बादशाही में भी होगा। अगर हम अपने खुदावन खुदा के कलाम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम ये सब कर सकते हैं। दोस्तों, आसमान की बादशाही में हर कोई नहीं जाएगा, जड़ी बूटियाँ पौधों और फसलों से अलहदा की जाएंगी। दोस्तों, मैं पर्सनली यीशु मसीह को आसमान पर जाने से पहले जानना चाहूँगा, ताकि जब मैं आसमान पर जाऊँ तो मैं उनको पहले से ही जानता हूँ। क्या आप नहीं चाहेंगे उनको पहले से ही जानना, ताकि जब आप आसमान पर जाएं तो आप उनको जानते हों? आसमानी बादशाहत खेत में छुपे हुए खजाने की मानिंद है, जिसे कोई इंसान हासिल करता है और दोबारा छुपा देता है, तब वो खुशी और सरमस्ती में जाता और सब कुछ फरोख्त करके उस खेत को खरीद लेता है। फिर आसमानी बादशाहत उम्दा और असली मोती पाने वाले सौदागर की मानिंद है। एक बेशकीमती मोती मिल जाने पर वो जाता है और अपना सब कुछ फरोख्त करके उस मोती को हासिल कर लेता है। फिर आसमानी बादशाहत समंदर में डाले हुए जाल की मानिंद है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछली पकड़ने वाले उसे किनारे पर खींच लाते हैं और बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और नाकिस मछलियां फेंक देते हैं। दुनिया के खात्मे पर ऐसा ही होगा। फरिश्ते जाकर नेककारों में से बदकारों को अलग करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शागिर्दों ने जवाब दिया, जी हां। यसू ने उनसे कहा, हर एक मुअल्लिम जो आसमानी बादशाहत के मुतालिक जान चुका है, उस मालिक मकान की मानिंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन मिसालों के जरिए तालीम देने के बाद यसू वहां से चले गए। दोस्तों, क्या आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं? आप उस चीज को पाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा कि अभी हमने इस इमसाल में सीखा कि उस आदमी ने इस मोती को पाने के लिए अपना सारा कुछ बेच दिया, उसके लिए इस मोती की कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो एक उनको जानना हमारे लिए ख़जाने से कम नहीं है, और हमें चाहिए कि हम ये बात हर किसी से शेयर करें। अगर आपके पास ये मोती होगा तो आप नहीं चाहेंगे अपने दोस्तों को दिखाना या अपने आसपास के लोगों को दिखाना? यीशु मसीह को जानना हमारे लिए सबसे बड़ा ख़जाना है, और हमें चाहिए कि हम उसको सबके साथ शेयर करें। एक दिन एक आलिम आए और यसू का इम्तिहान लेने की गरज से उन्होंने पूछा, उस्ताद, दायमी जिंदगी हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यसू ने उनसे कहा, शरीयत में क्या लिखा है? आप उससे क्या समझते हैं? आलिम ने जवाब दिया, अपने खुदा को अपने दिल, अपनी रूह, अपनी ताकत और अपनी सारी अक्ल के साथ प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने तरह ही प्यार करो। यसू ने उनसे कहा, आपने सही जवाब दिया, यही कीजिए और आप दायमी जिंदगी हासिल करेंगे। इस पर उन्होंने अपने सवाल की अहमियत जताने के लिए यसू से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यसू ने जवाब दिया, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे लूट लिया, जख्मी किया और नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चले गए। इत्तिफाकन एक काहिन उसी राह से गुजरा, लेकिन जख्मी को देखने के बावजूद वो उसे नजरअंदाज करके चला गया। ऐसे ही वहां से एक लेवी भी गुजरा, उसने भी जख्मी को देखा मगर वो भी बचकर चला गया। लेकिन एक सामरी मुसाफिर जो वहां से गुजर रहा था, जख्मी को देखकर
उसे उस पर तरस आ गया। वो उसके करीब गया और उसने उसके जख्मों पर जैतून का तेल और अंगूरी रस डालकर पट्टी बांधी। इसके बाद वो उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय में ले गया और उसने उसकी तीमारदारी की। दूसरे रोज सामरी ने 2 दीनार मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी देखभाल करें, अगर कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते वक्त आपको अदा कर दूंगा। यसू ने उस आलिम से पूछा, अब बताइए उन तीनों में से कौन उस जख्मी आदमी का पड़ोसी है? आलिम ने जवाब दिया, वही जिसने उस पर रहम किया। इस पर यसू ने उनसे कहा, जाइए आप भी ऐसा ही कीजिए। यसू मसीह ने हमें सबसे बड़े हुक्म बताए जो के थे कि हमें खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से प्यार करना चाहिए, और उन्होंने हमें यह भी बताया कि हमें अपने पड़ोसियों से इसी तरह प्यार करना चाहिए जिस तरह हम अपने आप से करते हैं। जैसा कि आपने अभी ये कहानी सुनी उस यहूदी की जो कि ज़ख्मी था, लेकिन उस लवीती ने और उस मजहबी उस्ताद ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उस सामरी आदमी ने उसकी मदद की। क्या आप जानते हैं कि सामरी और यहूदी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। यहाँ पे सामरी आदमी ने उस यहूदी की बहुत मदद की। ये क्या हुआ यहाँ पे? यसू मसीह ने तो उस बुरे आदमी को एक स्टोरी का हीरो बना दिया है। इसी तरह यसू मसीह भी चाहते हैं कि हम अपने आसपास के सब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करें। यसू ने अपने शागिर्दों से यह भी कहा, किसी दौलतमंद का एक मुंतजिम था। लोगों ने मालिक के पास जाकर उस मुंतजिम की शिकायत की कि वो आपकी जायदाद उड़ा रहा है। इस पर मालिक ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, अपनी कारगर्दगी का हिसाब दो, क्योंकि आइंदा तुम मुंतजिम नहीं रह सकते। तब मुंतजिम ने सोचा, मेरा मालिक मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देगा, मैं क्या करूं, मिट्टी में खोद नहीं सकता, भीख मांगने में मुझे शर्म आएगी। समझ गया मुझे क्या करना चाहिए ताकि नौकरी छूट जाने के बाद भी लोग अपने घरों में मेरा इस्तकबाल करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाया, पहले से कहा, तुम पर मेरे मालिक का कितना कर्ज है? उसने जवाब दिया, जी 100 मन तेल। मुंतजिम ने कहा, अपने दस्तावेज लो और जल्दी से 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? दूसरे ने कहा, 100 मन गेहूं। मुंतजिम ने उससे कहा, अपना दस्तावेज लो और जल्दी से 80 लिख दो। मालिक ने बददियानत मुंतजिम की इसलिए तारीफ की क्योंकि उसने चालाकी से काम किया है, क्योंकि इस दुनिया की औलाद आपसी लेन देन में नूर की औलाद से ज्यादा चालाक है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठी दौलत से अपने लिए दोस्त बना लो, जिससे उसके खत्म हो जाने पर वो दूसरी दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल करे। जो छोटी से छोटी बात में ईमानदार है वो बड़ी बात में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बात में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। अगर तुम झूठी दौलत में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्ची दौलत कौन सौंपेगा? और अगर तुम पराई दौलत में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारी अपनी दौलत कौन देगा? कोई भी खादिम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से दुश्मनी और दूसरे से मोहब्बत करेगा, या एक की इज्जत और दूसरे को नजरअंदाज करेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इस तमसील को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस तमसील में यसू मसीह हमें यह बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि पिछली तमसील में हमने देखा एक मालिक और नौकर की कहानी, किस तरह से वो नौकर अपने मालिक को धोखा दे रहा था और उसके पैसे चुराना चाहता था। यसू मसीह चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें और किसी को भी धोखा ना दें। इन तमसीलों से हम ये सीखते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और
दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें एक ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की मदद कर सकें। आए दुआ करते हैं। खुदा हमें एक ऐसा दिल दे ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और किसी को भी धोखा ना दे सकें। आमीन। आए अब हम प्रेयर रिक्वेस्ट लिखेंगे और पीछे इसको हैंग कर देंगे। खुदा हमें दूसरों की मदद करना सिखा। आए अब हम इस प्रेयर को हैंग करेंगे। दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम अच्छे इंसान बन सकें और दूसरों की मदद कर सकें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह उस सामरी आदमी ने उस यहूदी की थी। और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। मिलते हैं अगली किस्त में। बाय।